सोचो कि तुम एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ पे हर जगह इंसानों को खाने वाले डीमंस घूमते हैं और तुम्हें ये बात बिल्कुल नहीं पता है, और तुम्हारे 12th बर्थडे पे तुम्हें बोला जाता है कि तुम्हें तुम्हारे नए फैमिली मेंबर्स मिलने के लिए आ रहे हैं, तो तुम खुशी खुशी उनसे मिलने के लिए जा रहे हो, लेकिन वो लोग तुम्हारे फैमिली मेंबर्स नहीं, तुम्हें खाने वाले डीमंस है, तो तुम क्या करोगे? वेल, यही स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर एम्मा, नॉर्मन और तो और रे की। तो चलिए देखते हैं इन लोगों ने इनकी जिंदगी में क्या क्या किया है। वेल, सीजन 2 शुरू ही होता है कि हमारे सारे के सारे बच्चे भाग रहे होते हैं एक ब्लैक वाले डीमन से बच के, और वो डीमन इनका पीछा कर रहा होता है, क्योंकि हमने देखा था कि सीजन 1 में ये लोग ऑर्फनेज से भाग चुके थे। इसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे बच्चे जंगल में घूम रहे होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि जंगल कितना बड़ा है और यहाँ पे कितने सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं और कितने सारे इंसेक्ट्स हैं। ऐसे ये लोग हर जगह भाग रहे होते हैं और हर एक चीज को देख रहे होते हैं, और इसी वक्त एम्मा के हाथ में एक कंपास होता है। वो कंपास को देखती है और सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर यहाँ पे एक सीन में रे एम्मा के साथ बैठता है और उससे बात करता है, उसको बोलता है कि अभी हमें कैसे भी करके हमारे लिए पानी और खाना ढूंढना पड़ेगा, ऐसा बोल के। और वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास ये वाला पेन है जो हमें नॉर्मन देके गया है, लेकिन इसके ऊपर WM लिखा है, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि ये मिस्टर विलियम मिनर्वा का होगा। तभी जैसे ही रे उस पेन को खोलता है तो उसमें से एक होलोग्राम बाहर निकलता है और उस होलोग्राम पे लिखा होता है B0114। ये एक लोकेशन होता है, तो बच्चे समझ जाते हैं कि इनको इस लोकेशन पे जाना है। तभी एम्मा इसको टच करती है तो वो होलोग्राम खुलता है और उसके अंदर एक मैप दिखता है उन लोग को, और वो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे है और हमको जाना है B014 पे। उसी वक्त उसके ऊपर एक मॉर्स कोड भी बना हुआ रहता है, तो रे उस मॉर्स कोड को पढ़ता है और उस पे लिखा होता है टच मी। तो जैसे ही रे उसको टच करता है तो वहाँ पे एक नया स्क्रीन आता है जिसके ऊपर एक और कोड लिखा होता है, और वो कोड इस एक बुक के अंदर मिलता है इन लोग को। तो वो लोग वो बुक के अंदर से वो कोड निकालते हैं और वो कोड लिखा होता है ह्यूमन। तो जैसे ही वो लोग वो ह्यूमन कोड लिखते हैं तो उसके अंदर उनको एक और कोऑर्डिनेट मिलता है जो कि होता है B0632। तो ये लोग समझ जाते हैं कि इनको इस लोकेशन पे जाना है और यहाँ जाके इनको विलियम मिनर्वा से मिलना है। तभी सारे बच्चे रेडी होते हैं यहाँ पे जाने के लिए। मीनवाइल यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं कि इन लोग को नॉर्मन की बहुत याद आ रही है। मैं वापस से आपको याद दिलाता हूँ कि पिछले सीजन में नॉर्मन को डीमंस लोगों ने पकड़ लिया था। उसके बाद यहाँ पे सारे बच्चे आगे बढ़ते हैं और तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक अजीब सा प्लांट होता है और उसके अंदर बहुत सारा पानी होता है। तो रे उस प्लांट को फाड़ के उसमें से पानी बाहर निकालता है और बोलता है कि हम लोग ये पानी पी सकते हैं, ऐसा बोल के वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तभी एक बुक के ऊपर मॉर्स कोड में लिखा होता है प्रॉमिस के बारे में। सब बच्चे यहाँ पे ये सब चीज को पढ़ रहे होते हैं और वो लोग आगे निकलने की सोचते हैं। मीनवाइल हमें दिखाते हैं यहाँ पे सारे के सारे डीमंस रेडी हो गए होते हैं इन सब बच्चों को पकड़ने के लिए, और इनमें से एक डीमन के पास स्वॉर्ड होता है। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स और बटरफ्लाइज होते हैं, और ये लोग क्या सीन दिखता है। ये वाला सीन आप लोग को देखना चाहिए, बहुत ही क्लासिक सीन है। इसके बाद सारे बच्चे रात के टाइम पे चल रहे होते हैं कि तभी उनको अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तो वो लोग को मालूम पड़ता है कि उनके सामने बहुत सारे लाइट आ रहे हैं, तो वो लोग इन लाइट से बच के भागते रहते हैं, लेकिन असल में इस लाइट के पीछे होता है एक ब्लैक वाला डीमन जो इनको पहले वाले सीन में पीछे इनके पड़ा था। तो ये बच्चे इस डीमन से बचने के लिए भागते रहते हैं। तभी एम्मा एक बच्चे को गोद में उठा के उसको भागने लगती है और ये डीमन इनका पीछा करता रहता है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग इस डीमन को फंसाएंगे और यहाँ से बच के भागेंगे। तो सब लोग सेपरेट होकर भाग रहे होते हैं। तभी ये डीमन पहुंच जाता है रे और एम्मा के पास। तो रे बोलता है कि यहाँ पे एक ट्रैप है, एम्मा तुम इस ट्रैप के पास खड़ी रहो और यहाँ से निकल लेना, मैं इस डीमन को ट्रैप के पास ला के अटका दूंगा। तभी ही नॉर्मन रे ये डीमन को अपने पीछे लेके भागता है और ये डीमन रे का पीछा करता है और रे भाग रहा होता है। उतने में ये डीमन का गला अचानक से कट जाता है और तभी एंट्री होती है यहाँ पे असली परसुएर्स की। ये लोग आए होते हैं हमारे बच्चों को पकड़ने के लिए। तो ये लोग रे को देख लेते हैं, तो रे एक दीवार के ऊपर कुछ तो खरोंचता और बोलता है कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ, बाकी सब लोग पहले ही खत्म हो चुके हैं। तो ये गुंडे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे पता है कि यहाँ पे और भी लोग हैं, ऐसा बोल के ये डीमन लोग रे के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। तभी रे इनके साथ भाग रहा होता है और वो पहुंच जाता है हम लोग के बाकी बच्चों के पास। तो बाकी बच्चे भी यहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारी एम्मा को बेहोशी होने लगती है क्योंकि वो एकदम से थक चुकी होती है और उसके कान से बहुत खून निकल रहा होता है। तो सब लोग टेंशन में होते हैं। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जिसने अपने मुंह पे कपड़ा बांध के रखा होता है। तो इन लोग को लगता है कि ये एक ह्यूमन लड़की है। तो वो लड़की इनको बोलती है कि तुम लोग इस जगह पे भाग जाओ। तो सारे के सारे बच्चे इस जगह पे भाग जाते हैं और वो लड़की स्माइल करती है। मीनवाइल यहाँ पे रे भाग रहा होता है इन सब डीमन से बच बच के और वो एकदम दूर भाग रहा होता है। लेकिन तभी ये सारे के सारे डीमन रे को कॉर्नर कर लेते हैं और वो लोग गोल बना के रे के पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम तो हमारे स्पेशल रेयर वाले बच्चे हो। तभी रे वहां पे बेहोश होकर थक के गिर जाता है और वो तो भी खड़ा होकर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे एक और डीमन आता है जो कि एक घोड़े के ऊपर रहता है और ये डीमन रे को पकड़ के भागने लगता है। तो क्या ये डीमन रे को खाने वाला है, हमें नहीं पता। इसके बाद ये डीमन रे को लेके वहां से निकल लेता है। तभी ये बाकी के बचे हुए डीमन बोलते हैं कि हमें इसको ढूंढना पड़ेगा। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रे अपने नींद से सोके उठता है तो वो देखता है कि वो एक बिस्तर के ऊपर होता है। फिर वो एकदम टेंशन में वहां पे आगे बढ़ता रहता है। तभी वो देखता है कि सामने वाले रूम में एम्मा भी होती है और वो सो रही होती है। तो रे जाता है एम्मा के पास। तो एम्मा उठ के रे को गले लगाती है, बोलती है कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम ठीक हो। मीनवाइल यहां पे दोनों जैसे ही बाहर निकलते तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग यहां पे कैसे आए, हम लोग को यहां पे डीमंस लेके आए।
आए थे राइट, तभी ये लोग बोलते हैं कि हाँ। तो उसमें से एक लड़की बोलती है शायद वो मिस्टर मिनर्वा होंगे जिन्होंने डीमन के जैसे कपड़े पहन के रखे हैं। तो ये लोग बोलते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा बोल के ये लोग बाहर निकलते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तभी इनके सामने वो लड़की आती है और ये लड़की असल में इनको बोलती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना के रखा है और तुम्हारे सारे के सारे दोस्त लोग भी खाना खा रहे हैं। तो ये लोग इसके साथ चल के जाते हैं। तभी ये बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलती है मेरा नाम है संजू। उसी वक्त रे बोलता है कि लेकिन तुम तो एक डीमन हो है ना, क्योंकि मुझे तुम्हारे पैर दिख रहे हैं, तो तुम जैसे डीमन हम ह्यूमंस को क्यों बचा रहे हो। और उतने में यहाँ पे ये बड़ा वाला डीमन आता है जिसने रे को बचाया होता है और ये डीमन के हाथ में एक स्वॉर्ड होता है। तभी ये दोनों के दोनों डीमन हमारे एमा और रे को देख के स्माइल करते हैं। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हम लोग 150,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं और ये वाले वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे इससे और मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो का लाइक गोल है 7,779 लाइक्स। ये लाइक गोल आप कंप्लीट कर दीजिए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा और मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो इनके पीछे बड़ा वाला डीमन होता है उसका नाम होता है नोजिको। और ये डीमन बोलता है कि हम तुम्हारा खाना बन चुका है और तुम लोग खाना खा सकते हो और तुम्हारे दोस्त लोग भी एकदम से सेफ है, तुम लोग जाके देख सकते हो। तभी रे और एमा भाग के जाते हैं और उनके सारे के सारे दोस्त लोग यहाँ पे ठीक होते हैं। ये लोग जाते हैं और रे और एमा को हक करके बोलते हैं कि हम बहुत खुश है कि तुम लोग ठीक हो। तभी हमें मालूम पड़ता है कि ये दोनों डीमंस यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि हमारा नाम है संजू और मुजिका, और ये दोनों के दोनों डीमंस सारे के सारे बच्चों का हेल्प करते हैं खाना खाने में। तो तभी यहाँ पे इन लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ये डीमंस हमारे साथ क्यों खाना खा रहे हैं और ये लोग हमें क्यों नहीं खा रहे। फिर उसी वक्त रात को खाना खाने के बाद रे और एमा जाते हैं और वो डीमंस से पूछते हैं कि तुम लोग हमें क्यों नहीं खा रहे हो। तभी मुजिका बोलता है कि मैं तुम लोग को इसीलिए नहीं खा रहा हूं क्योंकि ये मेरे रिलीजियस रीजन की वजह से है और मैं ह्यूमंस को नहीं खाता, मैं एक वेजिटेरियन डाइट फॉलो करता हूं। और इसी तरह संजू भी ऐसे ही है और हम लोग ह्यूमंस को नहीं खाते हैं, तो तुम लोग एकदम से सेफ हो। इसके बाद वो इन दोनों को चाय देता है और ये लोग बातें करते हैं। तभी ये लोग पूछते हैं कि असल में हमें ये बताओ कि ह्यूमंस के साथ क्या हुआ और ये वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, ये कौन सा साल है। तभी वो इनको बोलता है कि असल में तुम लोग ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं हो, तुम लोग हो डीमन वर्ल्ड में। हमारा ये वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पार्ट है ह्यूमंस का और एक पार्ट है डीमंस का। 7,000 साल पहले एक ट्रीटी बनी थी ताकि ह्यूमंस और डीमंस अलग होकर रह सके, क्योंकि सारे के सारे डीमंस ह्यूमंस को खाने लग रहे थे, इसीलिए ह्यूमंस लोगों ने डीमंस से फाइट करना स्टार्ट किया। तो इस फाइट में डीमंस लोगों के ऊपर ह्यूमंस लोग इतने हावी हो गए कि डीमंस लोग को एक ट्रीटी बनानी पड़ी, जहां पर लोगों ने साइन किया कि कोई भी डीमन ह्यूमन के ऊपर अटैक नहीं करेगा और कोई भी ह्यूमन डीमंस के ऊपर अटैक नहीं करेगा और ये दोनों अपने अपने जगह पे रहेंगे। लेकिन इस ट्रीटी में लिखे लोगों ने एक प्रॉमिस और किया था कि ह्यूमंस के कुछ लोग डीमन वर्ल्ड में रहेंगे और वो लोग बच्चे पैदा करके डीमन लोग को प्रॉपरली बच्चे देंगे ताकि डीमन लोग उन बच्चों को खा सके और वो लोग उनके जिंदगी को जी सके, यही इनका प्रपोजल था। और इस वक्त तुम लोग डीमन वर्ल्ड में हो और तुम लोग ह्यूमन वर्ल्ड में जा सकते हो अगर तुम्हें वहां का रास्ता पता चले तो। फिर ये सब सुन के हमारे दोनों के दोनों हीरोज बहुत खुश हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं चलो हम लोग खुश है कि ह्यूमंस की वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है, तो हम लोग का ये गोल है कि हमें बस रास्ता ढूंढना है और वहां जाके निकलना है। मीनवेल रात को ये लोग इन लोग को गुड नाइट बोल के निकलते हैं। इसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि अगले दिन ये सब लोग साथ में चल रहे होते हैं और तभी ये लोग इनके फोन पे इनके पेन पे चेक करते हैं कोऑर्डिनेट। उसके बाद यहाँ पे संजू और तो और नोजिका ये दोनों ही इन लोग को बोलते हैं कि तुम्हें अभी कैसे भी करके जीने का सीखना पड़ेगा इस डीमन वाले वर्ल्ड में। फिर इसके बाद रे और एमा सारे बच्चों को बताते हैं असली ट्रुथ कि ह्यूमन वर्ल्ड क्या है डीमन वर्ल्ड क्या है। तो ये सब सुन के बच्चे लोग बोलते हैं कि हम लोग वो करेंगे जो तुम लोग हमसे कहोगे। इसके बाद मुजिका इन लोग को रास्ता दिखाता है कि देखो तुम लोग को ये रास्ता जाना पड़ेगा क्योंकि ये रास्ते में बिल्कुल भी डीमंस नहीं होते हैं, अगर तुमने कोई और रास्ता पकड़ा तो डीमंस तुम्हें पकड़ के खा सकते हैं और ये रास्ता बहुत ही बेकार है। मीनवाइल मैं और मुजिका तुम लोग को सिखाएंगे कि तुम लोग को कैसे खाना बनाना है और कैसे सर्वाइव करना है, ऐसे हम लोग तुम लोग को बहुत सारे ट्रिक्स सिखाने वाले हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे बच्चे लोग सीख रहे होते हैं कि इन लोगों को कैसे क्या खाना बनाना है, कैसे सर्वाइव करना है और क्या क्या करना है। लेकिन उसके बाद हमारी चश्मिश लड़की जाती है और वो एमा के ऊपर भड़कती है, बोलती है तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें हमें बोलना चाहिए। इसके बाद सारे बच्चे इन लोग का हाथ पकड़ते और बोलते हैं कि तुम लोग अपने आप को ऐसे खतरे वाले सिचुएशन में नहीं डालोगे क्योंकि तुम लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और हम सब लोग एक फैमिली है। इसके बाद रात के टाइम पे रे इन सबको खाना बना के दे रहा होता है और सब लोग प्रे करके मस्त खाना खा रहे होते हैं। मीनवाइल संजू सब लोग को प्लांट्स के बारे में बता रही होती है और मुजिका इन लोग को वेपन्स के बारे में बता रहा होता है। ऐसी सब लोग ट्रेनिंग कर करके बो एंड एरो यूज करना सीख लेते हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी एमा मुजिका के साथ बाहर जाती है ट्रेनिंग करने के लिए। वहां वो उसको बोलते हैं कि तुम मुझे हंटिंग सिखाओ क्योंकि मुझे हंटिंग सीखना है। तो मुजिका बोलता है कि ठीक है। इसके बाद मुजिका उसको कैसे हंट करते हैं वो सिखाता है और यहाँ पे हमारी एमा हंटिंग सीख रही होती है। तो मुजिका उसको बोलता है कि तुम्हें एक सिंगल सांस लेनी है और उस चिड़चिड़िया को देख के उसके ऊपर ये एरो से हमला करना है। तो पहले तो हमारी एमा हमला नहीं कर पाती है लेकिन उसके बाद वो हमला करती है और वो चिड़िया को मार देती है। फिर इसके बाद मुजिका उसको बोलता है कि तुम्हें ये फूल को इस चिड़िया के हार्ट पे मारना है, अगर ये फूल ब्लूम होता है इसका ये मतलब है कि गॉड्स ने तुम्हारी ऑफरिंग सुन ली है और तुम इसके मीट को खा सकते हो, लेकिन अगर ये फूल ब्लूम नहीं हुआ और ये रेड नहीं हुआ तो तुम ये मीट नहीं खा सकती हो। तो ये सब सुन के एमा को लगता है कि उसके दोस्तों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो बोलती है क्या मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा ही हुआ था क्योंकि उन लोग के ऊपर भी ऐसे ही फूल लगे हुए थे। तो मुजिका बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था लेकिन तुम टेंशन मत लो, उन सब लोगों ने बिल्कुल भी तकलीफ नहीं सही थी क्योंकि जब भी हम लोग ये फूल लगाते हैं इनके अंदर तो वो लोग तुरंत मर जाते हैं, तो उनको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है। तो इसके बाद एमा प्रे करती है और वो फूल डाल देती है वो बर्ड के अंदर और वो फूल ब्लूम हो जाता है। उसके बाद रोड फोड़ने लगती है उसके दोस्तों के बारे में सोच के। मीनवेल अगले सीन में एमा यहाँ पे पहुंच जाती है सबके पास उसका ये बर्ड को लेके और एमा एकदम से कोल्ड हो चुकी होती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एमा यहाँ पे सारे के सारे बच्चों के साथ बैठी होती है और वो यहाँ पे संजू को अपने फैमिली के फोटोज दिखा रही होती है। तभी उसको वहाँ पे नॉर्मन का फोटो दिखता है
है और वो बोलती कि मैं नॉर्मन से वादा किया था कि मैं मेरे किसी भी भाई बहन को मरने नहीं दूंगी। मीनवाइल यहाँ पे रे मोजिको के साथ खेल रहा होता है चेस। इसके बाद हमें संजू बोलती है कि तुमसे मिलने के पहले मैंने आज तक कभी किसी ह्यूमन से बात नहीं किया था, लेकिन मुझे अब तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसके बाद एमा उससे कहती कि ये जो लास्ट 6 दिन थे वो मेरे बहुत अच्छे से गुजरे हैं और अब मैं होप करती हूँ कि मैं आगे भी तुमसे मिल सकूं कभी ना कभी। मीनवाइल यहाँ पे बैठ के नॉर्मन आई मीन रे एक एक कोड को ट्राई कर रहा होता है। इसके बाद सारे के सारे बच्चे निकलते हैं बाहर अपने रास्ते पे जाने के लिए। तो यहाँ से निकल के वो लोग वो वेस्ट लैंड के पास पहुंचते हैं और यहाँ पे ये बड़ा बड़ा डीमन उनको रास्ता दिखाता है और बोलता है कि तुम लोग इस रास्ते से आगे निकल सकते हो। तभी बच्चे रोते हुए कहते हैं कि क्या हम लोग तुम्हारे साथ और टाइम तक नहीं रह सकते। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं, इन डीमन्स को भी कुछ ना कुछ काम होगा तो हम लोग इनके साथ नहीं रह सकते हैं। तभी ये डीमन्स बोलते हैं तुम लोग अच्छे से यहाँ से निकलो और मेरी सारी की सारी बातें याद रखनी, कैसे तुम लोग खुद को डिपेंड करना है। इसके बाद सब लोग भाई बोलते हैं एक दूसरे को और यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी हमारी संजू एमा को एक लॉकेट देती है और बोलती है इस लॉकेट को संभाल के रखना। उसके बाद यहाँ से सब बच्चे निकल लेते हैं। तभी यहाँ पे मुजी को बोलता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि सारे के सारे बच्चे यहाँ से निकले और निकलने के बाद ये लोग एक फैमिली शुरू करें। उसके बाद ये बच्चे खुद को रिप्रोड्यूस कर करके यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमंस को लेके आए ताकि फिर हम सारे के सारे डीमंस यहाँ पे इन इंसानों को अच्छे से खा सके। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मुझे वापस से इंसानों को खाना है और उनको हंट करना है। मीनवाइल सारे के सारे बच्चे यहाँ पे रात भर चल रहे होते हैं और चलते चलते वो लोग एक जगह पहुंच रहे होते हैं। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे इन सब डीमंस से लड़ रहा होता है हमारा मुजी को और मुजी को इन सब डीमंस को मार मार के आगे बढ़ता है। तभी रात के समय सारे के सारे बच्चे पहुंच जाते हैं उसी कोऑर्डिनेट पे B0632 पे। तो यहाँ पहुंचे तो वो लोग बोलते हैं यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं और वो लोग हर जगह देखते हैं और बोलते हैं क्या हम लोग इतना दूर सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, ऐसे बोल के सब लोग गुस्सा हो रहे होते हैं। तभी नॉर्मन वहाँ पे वापस से पेन को घुमाते तो वहाँ पे एक और कोड आता है। तो वहाँ पे वो कोड को एंटर करता है और वो कोड रहता है हिस्ट्री। जैसे वो हिस्ट्री लिखता है तो वहाँ पे उनको एक और मैप दिखता है और ये मैप उनको बोलता है कि यहाँ पे राइट साइड पे एक और खुफिया रास्ता है। जैसे वो लोग रास्ते पे जाते हैं तो वहाँ पे एक गेट खुलता है और वो लोग गेट खोल के अंदर घुसते हैं। तो लोग देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग एक बहुत बड़े से बंकर के अंदर होते हैं और ये बंकर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। तो ये लोग सारे के सारे बंकर को देख रहे होते हैं। वहाँ पे खाने की चीजें होती है, सब सीसीटीवी सर्वेलेंस होता है और तो और इनका रेडियो भी होता है और उसके साथ वहाँ पे एक लेटर होता है और लेटर में लिखा होता है कि ये लेटर है विलियम मेनुरवा की तरफ से और तुम लोग को बोला जा रहा है कि तुम लोग यहाँ पे शेल्टर ले सकते हो, तुम लोग यहाँ पे खाना बना सकते हो और तुम लोग यहाँ पे आराम से रह सकते हो, ये एक एस्केप हाउस है। तो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे घूमते हैं, देखते हैं यहाँ पे किचन है, नहाने की जगह है और सब लोग को भूख लगी होती है। उसके साथ साथ यहाँ पे गार्डनिंग करने की भी जगह होती है, लाइब्रेरी होता है, पियानो होता है। तो हमारा रेड बॉय यहाँ पियानो बजाता है और सब लोग खुशी खुशी इसका सॉन्ग सुन रहे होते हैं। मीनवाइल इन सब बच्चों को यहाँ पे एक खुफिया जगह दिखती है। तो ये लोग इस खुफिया जगह के अंदर जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे सब अंधेरा होता है लेकिन ये जगह असल में एक टनल के पास निकलती है। इसके बाद एमा और रे एक साथ बैठ के बोलते हैं सारे बच्चे अब तुम लोग नहा सकते हो। तो इसके बाद सब बच्चे नहा रहे होते हैं और खुश रहते हैं। मीनवाइल इसमें से ये वाइट बाल वाला बंदा जो कि नॉर्मल के जैसे दिखता है ये थोड़ा रोने लगता है तो हमारा डॉन भाई इसको सपोर्ट देता है। इसके बाद सब लोग रात को खाना खाते हैं और बोलते हैं ये खाना कितना टेस्टी है, ऐसा बोल के सब लोग खुशी खुशी खाना खा के बैठ रहे थे और बातें करते हैं, बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। फिर ऐसे ही ये लोग प्लान बनाते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग बैठेंगे और सर्वाइव करेंगे। मीनवाइल कुछ लोग ऊपर जाके ये रेडियो कनेक्ट करके सुनेंगे कि इनकी मॉम क्या बात कर रही है हेडक्वार्टर के साथ क्योंकि रेडियो डायरेक्टली वहां से कनेक्टेड है। तो ये लोग ऊपर जाते हैं और इनको सुनने मिलता है कि सारा का सारा चीज एकदम नॉर्मल है और इन लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग बोलते हैं कि अभी तक ये लोग बाकी बच्चों को शिप आउट नहीं कर रहे हैं। मीनवाइल ये लोग ऐसे ही यहाँ पे दिन निकालते हैं। तो यहाँ पे एमा को एक डोर दिखता है जिसके ऊपर विलियम मेनुरवा का सिंबल लगा होता है और वहां पे लिखा होता है पेन। तो ये लोग समझ जाते हैं कि इस होल के अंदर इनको पेन डालना है तो ये डोर खुलेगा। मीनवाइल यहाँ पे एक लड़की जाती है और वो एक रूम के पास पहुंचती है और वो रूम के अंदर वो देख के एकदम से शॉक होती है। तभी अगले सीन में एमा यहाँ पे डोर खुलती है और वहां पे अंदर एक बेसमेंट होता है। ये लोग बेसमेंट के अंदर जाते हैं तो वहां पे उनको एक टेलीफोन दिखता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं ये लड़की ने देखा होता है कि दीवार पे लिखा होता है प्लीज हेल्प मी। तो ये सब देख के ये लड़की डर जाती है। मीनवाइल एमा ये फोन उठाती है और इस फोन में वो लिखा रहता है हेलो मैं हूँ विलियम मेनुरवा। तो क्या अब विलियम मेनुरवा इनको बचाने के लिए आने वाला है, मुझे नहीं पता। फिर इसके बाद एमा यहाँ पे सब सुन रही होती है और विलियम मेनुरवा उनको बोल रहा होता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग यहाँ से निकल चुके हो और मेरा असली नाम है जेम्स रात्रि। वेल मैं खुश हूँ कि तुम बच्चे यहाँ से निकल के इस जगह पहुंच चुके हो और तुम लोग को अभी मैं इस दुनिया के बारे में बताता हूँ। तभी रे बोलता है कि असल में ये असली विलियम मेनुरवा नहीं है, ये है एक रिकॉर्डिंग। मीनवाइल बच्चे यहाँ पे देखते हैं कि ये रूम में बहुत सारे नोटबुक्स लिखे होते हैं और इसके अंदर बहुत सारे लोगों का नाम लिखा होता है और ये हेल्प वाले नंबर के साथ। उसके बाद वो उनको बोलता है कि अगला पासवर्ड है फ्यूचर। तभी ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हमें विलियम मेनुरवा ने छोड़ के रखा है और उन्होंने हमें बोला है एक नया पासवर्ड। तो ये लोग नया पासवर्ड डालते हैं तो उनको उसके अंदर एक मैप दिखता है और वो मैप के अंदर होता है D100 वाला कोऑर्डिनेट और वहां पे होता है असली गेट जिसके थ्रू ये लोग ह्यूमन वर्ल्ड में जा सकते हैं और ये इन लोग के बहुत दूर होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तभी ये लोग सोचते हैं कि इन लोग को यहाँ से निकल के ह्यूमन वर्ल्ड में जाना है लेकिन उसके पहले ये लोग कुछ टाइम यहाँ पे बैठ के अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और खाना वाना खा के खुद को री एनर्जाइज करेंगे। उसके बाद ये लोग जाएंगे और सारे के सारे बच्चों से मिलकर वापस से आएंगे और उन सब बच्चों को लेकर यहाँ से जाएंगे। तभी हमें दिखाते हैं कि ये लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट एक साल निकाल चुके होते क्योंकि होता है अभी डेट 22 जनवरी 2047 का। इसके बाद सारे के सारे बच्चे यहाँ पे खाना खाते हैं, अपना ट्रेनिंग करते हैं, आर्चरी का शूटिंग वूटिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं और ऐसे ये लोग यहाँ पे सर्वेलेंस करके नॉर्मली उनकी जिंदगी जी रहे होते हैं। उसके बाद ऐसे एक एक दिन निकलता है, ये लोग गार्डनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और सब लोग बंकर के बाहर निकल के नहाते धोते रहते हैं और ऐसे मजे करते रहते हैं और येलो बाल वाली बंदी हर एक चीज का नोट कर रही होती है। इसके बाद ऐसे सारे के सारे बच्चे बोलते हैं कि इनको बहुत सारी टेस्टी चीजें खानी है। तभी ये लोग बोलते हैं कि हमें हंटिंग करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि सारे बच्चे जाते हैं हंटिंग करने के लिए लेकिन हंटिंग करना बहुत मुश्किल होता है इन लोग के लिए। तभी इसमें से ये स्पाइकी बाल वाले बंदे को एक मछली दिखती है जो मछली बहुत स्लिपरी होती है। तो ये खेलोगे मछली को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ये मछली इनके हाथ से
छूट छूट के भाग रही होती है। तो ये लोग बहुत कोशिश करते हैं, तभी इनमें से एक बंदा मछली को पकड़ता है और वो एक बैग में गिर जाती है। इसके बाद ये खेलो की मछली को पकाते हैं और ये लोग सोचते हैं अब ये मछली कौन खाएगा। तो हमारा जो ये लाल बाल वाला बंदा होता है उसके हाथ में रेड वाली चिट्ठी आती है, तो उसी को ये मछली को खा के टेस्ट करना पड़ता है कि क्या ये मछली सेफ है कि नहीं। तभी हमारे स्पाइकी बॉय और येलो बाल वाला बंदा, तो मैं इन लोग का नाम रखूंगा मैक्स, येलो वाले बाल वाले का नाम है मैक्स और ब्लैक वाले बाल वाले का नाम है ड्रैक्स। तो मैक्स और ड्रैक्स दोनों बोलते हैं कि हम लोग भी इस मछली को खाएंगे क्योंकि हमने इसको ढूंढा था। फिर इसके साथ रे बोलता है कि मैं भी यही करूंगा। फिर इतने लोग मिलकर मछली खाते हैं और ये लोग देखते हैं कि मछली एकदम ठीक है। ऐसे ये लोग 10 मिनट निकालते हैं, 5 मिनट निकालते हैं, आधा घंटा निकालते हैं और 1 घंटा निकालते हैं। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि मछली बहुत टेस्टी है, ऐसा बोल के सब लोग मिलजुल के मछली खाते रहते हैं। मीनवाइल रात के टाइम पे सारे बच्चे वापस से रेडियो सुन रहे होते हैं और उन लोगों को सब कुछ नॉर्मल लगता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी इजाबेला को इन लोगों ने जेल में बंद करके रखा होता है क्योंकि उसके वजह से सारे के सारे बच्चे भाग गए होते हैं। तो ग्रैंडमा उसको बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने मेरे सबसे बेस्ट लोग को लगाया है उन सब बच्चों को पकड़ने के लिए, और जैसे ही ये बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे तो मैं तुम्हें उन्हें एक बार देखने का मौका दूंगी, ऐसा बोल के वहां से निकल लेती है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे बच्चे लोग गार्डनिंग कर रहे होते हैं और एक बच्चा जो कि नॉर्मल जैसे दिखता है वो जाता है हमारे डॉन भाई के पास और बोलता है कि तुम सर्वेलेंस कर रहे हो कि नहीं। मीनवाइल सब लोग सोने के लिए रेडी होते हैं कि तभी इनके ऊपर एक बॉम्ब फटता है और यहाँ पे लाइट बंद हो जाती है। उसके बाद बहुत सारे ह्यूमंस यहाँ पे अंदर आते हैं और ये लोग बच्चे लोग के ऊपर अटैक करने के लिए उनको ढूंढ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सारे के सारे बच्चे वो सीक्रेट बंकर के अंदर घुस के निकल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा डॉन भाई और तो और वो छोटा नॉर्मन ये लोग ऊपर ही फंसे हुए रहते हैं। तो डॉन भाई और छोटा नॉर्मन ये लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल यहाँ पे ये डीमन आता है और बोलता है कि इजाबेला हम लोगों ने तुम्हारा पनिशमेंट ढूंढ लिया है, ऐसा बोल के वो इजाबेला के पास वो फूल को लेके आता है और बोलता है कि हम तुम्हें वो बच्चों से मिलने के बाद खत्म कर देंगे। लेकिन तभी इजाबेला बोलती है कि तुम लोग टेंशन मत लो। मीनवाइल यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि डॉन और ये नॉर्मन एक बंदे के ऊपर हमला करके वहां से बच के भाग रहे होते हैं और ये लोग बंकर के अंदर घुस जाते हैं। फिर ये लोग ये छोटे वाले गुफा के अंदर से निकल रहे होते हैं कि तभी इनके सामने एक और बंदा आता है और वो इन लोग के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। लेकिन तभी ये बच्चे लोग उस बंदे के ऊपर एरो से हमला करते हैं, हमारे मैक्स और ड्रैक्स, और उस बंदे को धक्का मार के वहां से भागने लगते हैं। फिर ये लोग भाग भाग के फॉरेस्ट के पास भाग के जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग को बच के रहना है। तभी इनके सामने बहुत सारे बंदे आते हैं और वो लोग गोली मार के इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसी वक्त ये ब्लैक डीमन यहाँ पे आता है और वो इन सब ह्यूमंस को खाना स्टार्ट करता है। तो बच्चे यहाँ से बच बच के भाग रहे होते हैं। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि ये ब्लैक डीमन बच्चे लोग के ऊपर भी हमला करना स्टार्ट करता है। तभी यहाँ पे ये वाला डीमन इजाबेला को बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो बच्चे इस बार आ पाएंगे। तो वो बोलते हैं कि नहीं, तुम लोग उन बच्चों को नहीं पकड़ सकते। तो ये डीमन बोलता है ठीक है, अगर हमारा टीम उन बच्चों को पकड़ने में फेल हो गया तो मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा, तुम उन बच्चों को मेरे को पकड़ के लाके दे देना और उनमें से हर एक बच्चा मुझे वापस से चाहिए। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हारे अंदर से चिप निकाल दूंगा और उसके साथ साथ तुम्हें फ्रीडम दे दूंगा, मैं तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दूंगा। तो ये सुनकर इजाबेला बोलती है ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए रेडी हूँ, आखिर वो सब मेरे बच्चे हैं और मैं उनको पकड़ के लेके आ जाऊंगी, ऐसा बोल के इजाबेला रेडी हो जाती है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। मीनवाइल हमें दिखाते हैं यहाँ पे हमारे सारे के सारे बच्चे भाग रहे होते हैं इसी ब्लैक डीमन से बच के। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक डीमन का विलेज होता है और इस विलेज के अंदर सारे के सारे डीमंस नॉर्मली ह्यूमन की तरह घूम रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ये दो ब्लू वाले डीमन आते हैं, मोटा ब्लू और पतला ब्लू। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कैसे ह्यूमंस को इन लोग को खाए बहुत टाइम हो चुका है और यहाँ पे ये लोग इंसान के दो हाथ खरीदते हैं थोड़ा पैसा देके। और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि ग्रेस फील्ड से छोटे छोटे बच्चे भाग चुके हैं और इन लोग को उन बच्चों को खाना है क्योंकि वो लोग सबसे टॉप क्वालिटी के होते हैं। ऐसा करके ये लोग बातें करके यहाँ से निकल रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डीमंस और होते हैं जो इनकी बातें सुन रहे होते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे बच्चे गार्डनिंग कर रहे होते हैं और वो लोग गार्डनिंग करके बहुत सारे प्लांट को कलेक्ट करके एक जगह बैठे होते हैं। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे जो बच्चे जिस घर में होते हैं उसी घर के अंदर एंट्री लेते हैं कुछ चार और डीमंस, लेकिन ये चार लोग डीमन नहीं होते हैं, ये लोग होते हैं हमारे एमा, रे, डॉन भाई और तो और हमारी चश्मिश गर्ल। ये लोग असल में डीमंस के कपड़े पहन के और उनका मास्क पहन के डीमन वर्ल्ड में गए थे थोड़ा खाना लेने के लिए और ये लोग वहां से खाना लेके अंदर आ चुके थे। तभी सारे के सारे बच्चे यहाँ पे खुश होते हैं कि इनको खाना मिल चुका है। फिर ये लोग रात में खाना बनाते हैं और खाना खाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इनके पास खाना बहुत कम होता है। तभी एमा बोलती है कि मैं तुम लोग के लिए और खाना लेके आऊंगी। ऐसी यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि सारे के सारे बच्चों के बाल बड़े हो चुके होते हैं, एमा के भी बाल एकदम बड़े हो गए होते हैं और तो और हमारी ब्लॉन्ड गर्ल के भी बाल एकदम से बड़े हो गए होते हैं। तभी हमें मालूम पड़ता है कि इन्हें यहाँ पे बहुत सारा टाइम बिता दिया है। तभी सारे बच्चे बोलते हैं तुम्हें और खाना लेने की जरूरत नहीं है, हमें सूप बहुत पसंद है। ऐसे ये लोग रात के टाइम पे बैठे होते हैं और सब कुछ देख रहे होते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है और इनकी बातें चल रही होती है। तभी ये लोग बोलते हैं कि जो जगह है जहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड है वहाँ बहुत दूर है हमसे और हमें कैसे भी करके वहाँ पहुंचना ही पड़ेगा। फिर रात के टाइम पे एमा ऐसी सोच रही थी कि हम लोग क्या करें, हमारे आसपास हर जगह एनिमीज है और हमें कैसे भी करके सर्वाइव करना ही पड़ेगा, खाना पानी बहुत मुश्किल है यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए। तभी रे उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग ये सब कर लेंगे। तभी एमा बोलते कि मुझे वो छोटू को भी लेके आना है जो कि इस वक्त फार्म के अंदर बंद है, हमें कैसे भी करके उनको लेके आना है। फिर हमें अगले दिन दिखाते कि सारे बच्चे रेडी होते हैं वापस से जाने के लिए उनके मिशन पे। यहाँ पे डॉन भाई होता है, हमारी चश्मिश गर्ल होती है, रे होता है और तो और एमा होती है। तभी हमारे ड्रैक्स और मैक्स बोलते कि इनको भी इनके साथ जाना है और इन लोगों ने कॉस्ट्यूम क्रिएट कर लिया है और उसके साथ साथ इन लोगों ने मास्क भी बना लिया है और इन्हें अपनी सेंट को भी छुपा दिया है। तभी एमा इनको बोलती है कि मैं तुम्हें इस बार नहीं लेके जा सकती लेकिन मैं तुम्हें अगली बार लेके जाऊंगी, तुम लोग थोड़ा टाइम यहाँ पे बैठ रहो। तभी इनके रूम में वापस से घंटी बजती है और यहाँ पे एंट्री लेता है एक बुढ़ाऊ डीमन। इस डीमन को देख के सब लोग डर जाते हैं, लेकिन ये डीमन यहाँ पे आता है बहुत सारे फ्रूट्स लेके और वो यहाँ पे बोलता है कि ये मंदिर बहुत अच्छा है, ऐसा बोल के वो यहाँ पे आके बोलता है कि ये मंदिर का नाम है द ईवल ब्लडेड टेंपल और इस टेंपल में जाके वो एक गॉड की पूजा करता है और बोलता है कि बच्चों तुम लोग को मैंने कितने बोला कि तुम लोग को यहाँ पे खेलना नहीं चाहिए। इस डीमन को लगता है कि जो जितने बच्चे हैं वो सब डीमन वाले बच्चे हैं, तो यहाँ पे प्रेयर करके अपना फ्रूट नीचे रखता है लेकिन ये फ्रूट नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे एमा जाती है और वो इस डीमन का मदद करती है फ्रूट रखने में। तभी ये
बोलता है कि अच्छा बेटी तुम्हारा नाम एमा है, तुम तो बहुत अच्छी हो, ऐसा बोल के वो एमा के पास जाता है और अपना मुंह खोल के उससे बात करता है। फिर वो एमा को थैंक यू बोल के वहां से निकल जाता है। उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि ये जो सारे के सारे बच्चे हैं ये क्या लोग यहाँ पे 6 महीने से बैठे हुए हैं और 6 महीने से ये बुढ़ऊ डीमन यहाँ पे बार बार आता है और हमेशा यहाँ पे इन लोग के लिए फ्रूट रख के निकल लेता है। तो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे मस्त ये सब फ्रूट खाते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है। तभी ये लोग बोलते हैं कि हम लोग इन सब डीमन्स के कभी भी हैबिचुअल नहीं बनेंगे, हमें कैसे भी करके डीमन से बच के निकलना पड़ेगा। सारे के सारे डीमन्स सोंजू और मुझे की तरह नहीं होते हैं। मीनवाइल हमें अगले समय दिखाते हैं कि जो हमारे मोटू और बतलू ब्लू वाले बॉयज होते हैं वो लोग उनके घर में जाते हैं और उनके घर में 2 छोटे-छोटे डीमन्स होते हैं जिनकी तबीयत बहुत खराब होती है। तो उन लोग को प्रॉपर ह्यूमंस खाने होते हैं लेकिन ये लोग बोलते हैं कि इन लोग के पास प्रॉपर हाई क्वालिटी के ह्यूमंस नहीं है। तो ये लोग उन लोग को छोटे वाले हाथ देते हैं और बोलते हैं हमें कैसे भी करके ये ह्यूमंस बच्चों को ढूंढ के लाना पड़ेगा ताकि हम लोग उन्हें हमारे इन दोनों बच्चों को खिला सके। ऐसे बोल के क्या लोग बोलते हैं कि इन लोग को रूमर सुनाई दिया है कि वो जो ह्यूमन वाले बच्चे हैं वो लोग इसी वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हैं और ये सारी की सारी बात एक डीमन सुन रहा होता है। इसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे ड्रैक्स और मैक्स बहुत सारी मछलियां पकड़ रहे होते हैं। फिर ये लोग सब लोग मिलकर यहाँ पे मछली पकड़ते हैं और रात के टाइम पे सब लोग मिलकर यहाँ पे मछलियां खा रहे होते हैं। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे डीमन्स ऐसे ही घूम रहे होते हैं और यहाँ पे ड्रैक्स और मैक्स भी आए हुए रहते हैं डीमन वाले फॉर्म में। तभी इनके पास से ये लोग ठुक जाते हैं हमारे ब्लू बॉयज के साथ और ब्लू बॉयज के सामने इन लोग का पॉकेट गिर जाता है। तो इनके पॉकेट में बहुत सारी मछली होती है। तो ब्लू बॉयज बोलते हैं तुम लोग तुम्हारी मछली ले सकते हो लेकिन इसके बाद ब्लू बॉयज को ह्यूमंस की खुशबू आती है। तो ब्लू बॉयज बोलते हैं यहाँ पे मुझे ह्यूमंस की खुशबू आ रही है और तभी ये लोग देख लेते हैं कि ड्रैक्स और मैक्स के जो पैर होते हैं वो ह्यूमंस के जैसे होते हैं। तो ये लोग हमारे हीरो से पीछा करना स्टार्ट करते हैं। तभी सारे के सारे बच्चे यहाँ से जान बचा के भागने लगते हैं। उसके बाद ये लोग प्लान लगाते हैं कि ये लोग इन लोग को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से भागेंगे। तो तभी कुछ कुछ बच्चे यहाँ से बच के निकल लेते हैं और एमा और रे इन सारे डीमंस लोग को अपने पीछे पकड़ा के भाग रहे होते हैं। तो ये दोनों के दोनों मोटू पतलू एमा और रे के पीछे पड़े होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि वो लोग भाग भाग के एक कोने में घुस जाते हैं। मीनवाइल यहाँ पे कोने में आके ये लोग अटक गए होते हैं लेकिन यहाँ से वो ड्रैक्स और मैक्स बच के निकल गए होते हैं लेकिन ब्लू बॉयज वहाँ पे आके वो लोग हट जाते हैं। तभी हमें दिखाते हैं यहाँ पे 4 और डीमंस आते हैं और वो लोग हमारे सारे के सारे हीरोज को घेर लेते हैं। तभी ब्लू बॉयज यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं ओए तुम सब लोग यहाँ से हट जाओ, ये लोग हमारा प्रे है। तभी यहाँ पे ये छोटा ब्लू कपड़े में जो बंदा होता है जिसने इन लोग की बात पहले सुनी होती है वो अपने जेब से एक चाकू निकालता है और ये ड्रैक्स और मैक्स को एक सिंगल अटैक में मार देता है। उसके बाद ये बंदा चल के जाता है हमारे एमा और रे के पास। फिर उसके बाद जो होता है वो देख के मेरा दिमाग फट गया। ये बंदा अपना मास्क निकालता है और ये बंदा कोई और नहीं हमारा नॉर्मन होता है। व्हाट, नॉर्मन ह्यूमन वर्ल्ड में से डीमन वर्ल्ड में क्या कर रहा है और ये अब तक जिंदा कैसे है? ओ भाई अब स्टोरी में बहुत अच्छा ट्विस्ट आ गया है, मुझे जानना है कि ये सब कैसे हो रहा है। इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि नॉर्मन और एमा दोनों ही रोते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं और बात करने बैठ जाते हैं। इसके बाद एमा को यकीन नहीं होता है कि नॉर्मन जिंदा कैसे है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि नॉर्मन जिंदा कैसे है। उसके बाद नॉर्मन इनको बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम लोग वहां से बच के बाहर आ गए। फिर रे भी यहाँ पे आता है और इन दोनों को गले लगाता है और रोने लगता है। फिर तीनों लोग खुशी खुशी ऐसे ही गले लगा के रो रहे होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि नॉर्मन के पीछे जो 4-5 लोग होते हैं वो लोग भी असल में ह्यूमंस ही होते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमंस लोग क्या कर रहे हैं डीमन के वर्ल्ड में और नॉर्मन यहाँ पे कैसे आया, इन सब चीजों का जवाब मुझे जानना है जो कि हमें लगता है कि बहुत जल्दी मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद नॉर्मन जाता है और हम उनके सारे के सारे दोस्त लोग से मिलता है और सबको बोलता है कि देखो मैं जिंदा हूँ। इसके ठीक बाद नॉर्मन इन लोग के साथ बैठता है और इनको दिखाता है कि देखो इसको इन लोगों ने डाल के रखा था Lambda 7214 में जो कि एक टेस्टिंग वाला एरिया है जहां पे बच्चे लोग के ऊपर टेस्टिंग होती है। और नॉर्मन के चेस्ट पे वो एक टैटू दिखाता है। फिर वो बोलता है कि जब भी उसको गेट के पास से मॉम के पास से लेके गए थे तो उसके बाद से वो यहाँ पे टेस्टिंग हो रहा था उसके ऊपर और उसने बहुत सारे टेस्ट किए, बहुत सारी चीजें की, ये सब किया ऐसा वैसा। उसके आगे बोलता है कि तुम लोग को जो हेल्प कर रहा है विलियम मिनर्वा वो असल में पहले ही मर चुका है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि असली रीजन क्या है कि डीमंस ह्यूमन को क्यों खाते हैं? उसका रीजन ये है कि अगर डीमंस ह्यूमन को नहीं खाएंगे तो वो लोग अपनी स्ट्रेंथ खो देंगे और वो लोग उनकी बॉडी के प्रॉपर फॉर्म में भी नहीं आ पाएंगे, तो इसीलिए वो लोग ह्यूमंस को खाते हैं और उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो खाना होता है वो होता है डेवलप्ड ब्रेन्स। उसके बाद वो बोलता है कि उसने वो लैम्डा वाले एरिया में बैठ के एक ड्रग बनाया है जिसके यूज से वो इन सारे के सारे डीमंस के ऊपर जैसे वो ये ड्रग डालेगा तो डीमंस लोग वापस से कभी इंटेलिजेंट नहीं बन पाएंगे और वो लोग उनके मॉन्स्टर वाले फॉर्म में जाके खत्म हो जाएंगे। वो बोलता है कि इसका प्लान यही है कि इसको इन लोग को मारना है और उसको ये एक नेवरलैंड बनाना है और उसको सारे के सारे डीमंस को खत्म कर देना है। ये नॉर्मन का प्लान रहता है। ये सुनकर सब लोग एकदम से खुश होते हैं लेकिन तभी ही एमा बोलती है कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम यहां पे आ गए हो लेकिन मुझे मेरे सारे के सारे बाकी दोस्तों को भी बचाना है। तभी नॉर्मन बोलता है कि जो ग्रेस फील्ड के लोग हैं और लैम्डा वाले लोग हैं वो लोग हमें बहुत सीरियसली ढूंढ रहे हैं तो हमें कैसे भी करके इन लोगों को खत्म करना पड़ेगा। फिर वो बोलता है कि वो उसका प्लान हो सके तो वो कल का कल इसको करने वाला है और वो बोलता है कि उसे सारे के सारे डीमंस को मारना है और इन लोगों को प्रॉपर फ्रीडम देना है। तभी सारे बच्चे आते हैं और नॉर्मन को गले लगाते हैं। उसके बाद नॉर्मन वहां से निकल लेता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रे और एमा रात को बात कर रहे होते हैं। तभी एमा रे को बोलती है कि उसको सारे के सारे डीमंस को नहीं मारना है, वो चाहती है कि वो एक ऐसा सॉल्यूशन निकाले जहां पे ह्यूमंस और डीमंस एक साथ रह सके। वो बोलती है कि अगर हमने सब डीमंस को मार दिया तो हमारे दोस्त मौजी को और सोंजू का क्या होगा। तो ये सब सुनकर रे बोलता है कि मुझे भी सारे डीमंस को नहीं मारना लेकिन तुम मेरी बात सुनो, नॉर्मन इस चीज में राइट है और हमें नॉर्मन की बात माननी पड़ेगी क्योंकि नॉर्मन के पास हर एक प्रॉपर चीज है तो उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पे दोनों बैठ के रात भर बहुत डिस्कस करते हैं और इन दी एंड हमें ये बोलती है कि ये एक ऐसा प्लान बनाने वाली है कि वो कैसे भी करके ह्यूमंस को और डीमंस को बचाने वाली है और वो एक ऐसा वर्ल्ड बनाएगी जहाँ पे ह्यूमंस और डीमंस एक साथ रह सके। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि अगले दिन एमा और तो और रे दोनों ही मिलके जाते हैं नॉर्मन से उसके हाइडआउट पे मिलने के लिए। वहां पे बैठ के वो फिर नॉर्मन के सारे दोस्तों से बात करते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग मुझे नॉर्मन के बारे में बताओ। तो लोग बोलते हैं नॉर्मन जो है वो असल में हमारा बॉस है और यहाँ पे एक टकलू आदमी होता है, एक नॉर्मल सा बॉय होता है और एक पागल सी लड़की होती है जो कि चिकन खा रही होती है। ये लोग
यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, ये लोग यहाँ पे मिलकर नॉर्मन के बारे में बात कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि नॉर्मन ने ये प्लान बनाया कि वो और हम सब मिलकर सारे के सारे डीमंस को मारने वाले हैं, और हम लोगों ने इसके लिए एक ऐसा ड्रग बनाया है जो कि सारे के सारे डीमंस को पागल कर देगा और उन लोग को मार देगा। बाय द वे, तुम्हें ये डीमन खाना है क्या? जो मैं मीट खा रही हूँ ये असल में डीमन का मीट है और ये बहुत टेस्टी है। तो ये सुन के हमारी एमा को शॉक लगता है। फिर उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि जो लैम्डा वाली एरिया है वहाँ पे ये लोग असल में ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और यही एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत सारे बच्चे लोग वहाँ पे खत्म हो चुके हैं या तो एकदम से पागल हो चुके हैं, और हम लोग भी उनके एक्सपेरिमेंट का शिकार थे। और ये सब सुन के हमारी ये लड़की को बहुत गुस्सा आता है। मीनवाइल यहाँ पे नॉर्मन आता है और वो बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम मेरे दोस्त लोग से बात करना है, ऐसा बोल के वो उसके साथियों को वहाँ से लेकर निकल लेता है। तभी रे और तो और एमा यहाँ पे बैठ के बोलते हैं ये सब बहुत गलत हो रहा है, हमें कैसे भी करके ये हेट्रेड खत्म करना पड़ेगा इन लोग के बीच में। उसके बाद नॉर्मन यहाँ पे आता है और वो इन लोग को अपना पोशन दिखाता है, जो पोशन उसने बना के रखा होता है सारे के सारे लोगों को मारने के लिए। तभी एमा उसको बोलती है कि नॉर्मन यहाँ पे अच्छे डीमंस भी है, उसमें से एक डीमन एक ऐसी थी जो कि एक लड़की की जैसी दिख रही थी और उसका नाम था सोंजू। तो ये सुन के नॉर्मन बोलता है कि क्या तो वो ईवल ब्लडेड क्वीन अभी भी जिंदा है, और ऐसा बोल के नॉर्मन एकदम गुस्से में आता है। इसके ठीक बाद नॉर्मन हमें बताता है कि ये ब्लड ईवल ब्लड वाली प्रिंसेस कौन है। वो बोलता है कि वो असल में एक ऐसी इंडिविजुअल डीमन थी जिसके अंदर पता नहीं कैसे पावर्स थे कि उसे ह्यूमंस को नहीं खाना था, और वो 700 साल पहले आई थी इस दुनिया में, और वो डीमन ऐसी है कि वो अपने ब्लड से किसी को भी अगर उसका ब्लड का एक ड्रॉप पिला देगी तो वो इंसान या वो डीमन को भी ह्यूमंस को खाने की इच्छा नहीं करेगी, और तो और उसके बॉडी में ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स आते रहेंगे। और ये बंदी ने ऐसा ही किया, उसने अपना ब्लड एक एक करके सबको पिलाने लगी, और इस वजह से यहाँ पे एक ऐसी कम्युनिटी फॉर्म हो गई थी जो लोग ह्यूमंस को नहीं खाते थे। और इस वजह से क्या होता है कि जो भी लोग है वो लोग अगर खुद का ब्लड भी आगे किसी को पिलाएंगे, जिन लोगों ने ये प्रिंसेस का ब्लड पी के रखा है, तो उनके ब्लड से भी आगे के लोग या आगे के डीमंस ह्यूमन को खाना बंद कर देंगे। तो इस वजह से किंग्स और नोबल को ये चीज के बारे में मालूम पड़ा, तो उन लोगों ने बोला कि उन लोग को ऐसे सारे डीमंस को पकड़ना है और उनको खत्म करना है, क्योंकि इससे उन लोग का बिजनेस खराब हो रहा था। और उनका बिजनेस ये है कि उन लोग को पाम पे बच्चों को पैदा करना है और उनको बहुत हाई प्राइस पे बेचना है, और ये वाला बिजनेस उनका खराब हो रहा था क्योंकि ह्यूमंस लोग को खाने की इच्छा डीमंस के अंदर से मर रही थी। इसीलिए उन लोगों ने सारे के सारे इन डीमंस को पकड़ा और उन्हें खत्म कर दिया। और इसी कहानी में हमारी ये ईवल ब्लड वाली प्रिंसेस भी मर जानी चाहिए थी, लेकिन वो मरी नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर ये बंदी अभी भी जिंदा है तो ये मेरे पूरे पूरे प्लान की वाट लगा देगी, क्योंकि मेरा ये जो ड्रग है ये उन्हीं डीमंस के ऊपर काम करेगा जिन लोग के पास प्रिंसेस का ब्लड नहीं है, और जिनके पास प्रिंसेस का ब्लड रहेगा उन लोग के ऊपर मेरा ये ड्रग काम नहीं करेगा। तो ये सुन के नॉर्मन बोलता है कि अभी मेरा नेक्स्ट मिशन ये है कि मुझे फटाक से उन दोनों को ढूंढना है और उन लोग को मुझे खुद ही अपने हाथों से मारना है। तो ये सुन के एमा बोलती है कि नहीं, तुम उनको नहीं मारोगे, वो लोग मेरे दोस्त है, तुम्हें उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तभी नॉर्मन बोलता है कि नहीं, मैं उनको नहीं छोड़ सकता हूं, मैं डीमन से नफरत करता हूं और मुझे तुम लोग को बचाना है। तभी ये लोग बोलते हैं कि देखो नॉर्मन, हमारे पास ये पेन है, और ये पेन ये बोलता है कि अगर हम लोग ये D100 वाली जगह पे जाएंगे तो हम लोग ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे, तो हम लोग डीमन को मार ही क्यों रहे, हम लोग को बस ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंचना चाहिए। तभी नॉर्मन बोलता है कि नहीं, हम ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं पहुंच सकते क्योंकि ये पूरी की पूरी एरिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है, सारे के सारे डीमंस ने इस एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एंट्रेंस बचा है जहाँ से हम लोग ह्यूमन वर्ल्ड में घुस सकते हैं, और वो है हमारे खुद के ग्रेस फील्ड वाले घर के बेसमेंट में। तो तभी एमा बोलती है कि लेकिन नॉर्मन, तुम्हें ये प्लान नहीं करना चाहिए। तभी नॉर्मन बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि मैं मेरे किसी भी सिबलिंग को मरता हुआ नहीं देख सकता हूं। ऐसा बोल के नॉर्मन वहां से गुस्से में निकल रहा होता है। तो एमा नॉर्मन का हाथ पकड़कर उसको बोलती है कि नॉर्मन प्लीज, तुम ऐसा मत करो, हम लोग एक डील करते हैं, अगर मैंने सोंजू और नौजिका को 10 दिन के अंदर ढूंढ के तुम्हारे पास ला के तुम्हें दे दिया, तो क्या तुम उन लोग से बात करके उनके ब्लड को सब में फैला दोगे ताकि सब डीमंस ह्यूमंस को खाना बंद कर दे, तो उससे तुम्हारा डीमंस को मारने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। तो नॉर्मन बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं। तो एमा बोलती है 7 दिन। फिर ये लोग मांडवली करके 5 दिन पे आते हैं और बोलते हैं एमा के पास 5 दिन है कि उसे 5 दिन के अंदर सोंजू और नौजिका को ढूंढना है और उन लोग को यहाँ पे लेके आने का है। ऐसा बोल के नॉर्मन वहां से निकल लेता है उसके दोस्तों के साथ। इसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नॉर्मन के दोस्त लोग उससे पूछते हैं कि सर, हमने एमा से आपकी बात सुन ली, तो क्या आप एमा की बात सुन के उन लोग को 5 दिन का मौका देने वाले हो, क्या आप डीमंस को छोड़ने वाले हो। ऐसा सुन के ये हमारी पागल वाली बंदी यहाँ पे एक ग्लास को फोड़ती है और हमें दिखता है कि इस ग्लास के अंदर बहुत सारे डीमंस की मुंडी होती है। तो फिर नॉर्मन बोलता है कि नहीं, मैं तो मेरा प्लान कैरी आउट करने वाला हूं क्योंकि मुझे डीमंस से नफरत है, लेकिन मैं उन लोग को ऐसा बोलूंगा कि मैं उन लोग की बात सुन रहा हूं। इसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि जो ये लड़की के ऊपर टॉर्चर हुआ रहता है उस वजह से उसका ब्रेन खराब हो चुका होता है और उसको एक बीमारी हो गई होती है। उसकी बीमारी रोकने के लिए ये लोग उस लड़की को दवा खिलाते हैं। मीनवाइल हमें अगले समय दिखाते हैं कि हमारे नॉर्मन और उसके गैंग के लोग चल के अंदर जा रहे होते हैं। यहाँ पे हर जगह पे बहुत सारे डीमंस की मुंडी होती है और यहाँ पे इन लोगों ने एक बड़े से डीमन को टॉर्चर करके रखा होता है, उसके हाथ पांव बांध के रखे होते हैं और उसके बॉडी में हर जगह ये लोगों ने रॉड घुसा के रखा होता है। और नॉर्मन ये डीमन के सामने खड़ा होकर बोलता है कि मैं तुम्हारे पूरे स्पीशीज को खत्म करने वाला हूं। मीनवाइल यहाँ पे हमारे हीरोज चल के आते हैं उनके टेंपल के पास। ये लोग यहाँ पे आके नॉर्मन से इन लोगों ने जो भी बात की वो सब लोग को बताते हैं और ये लोग बोलते हैं कि नॉर्मन सारे के सारे डीमंस को मारना चाहता है। तो ये सब सुन के ये लोग पहले खुश होते हैं, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि अगर सब डीमन मर रहे हैं तो सोंजू और नौजिका के साथ साथ भी सेम होने वाला है। तो फिर एमा इन लोग को अपना प्लान बताती है और बोलती है कि मैंने ऐसा ऐसा सोचा कि मैं ऐसे ऐसे करने वाली हूं। तो ये सुन के हमारी चश्मिश गर्ल यहाँ पे आती है और एमा को गले लगा के बोलती है कि एमा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत खतरा है और हम लोग उन्हें ढूंढेंगे भी कैसे। तभी ये बोलती है कि मुझे तुम सबकी हेल्प लगेगी। ऐसा बोल के एमा सब लोग का साथ अपने साथ लेती है और सब लोग खुश होते हैं एमा का हेल्प करने के लिए। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि नॉर्मन अपने रूम में बैठा होता है और वो खांसता है और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नॉर्मन सब उसकी बैक स्टोरी याद कर रहा होता है कि कैसे सबको बाय बोलने के बाद जब वो गेट के बाहर गया तो वहां पे उसको मॉम ने
सामने, वो बोला कि नॉर्मन तुम्हें ये रूम के अंदर आना पड़ेगा। तो नॉर्मन जैसे रूम के अंदर घुसा वैसे उसको आवाज आई कि हेलो नॉर्मन, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। तो ये देख के नॉर्मन शॉक हो गया था। फिर हमें अगले सीन में दिखाते कि जो बंदा नॉर्मन से बात कर रहा होता है वो असल में होता है मिस्टर रात्रि, और ये बंदा नॉर्मन का न्यू फादर बनने वाला होता है। ये बंदा कोई और नहीं विलियम मिनर्वा का छोटा भाई होता है। ये बंदा नॉर्मन को बोलता है कि तुम एक जीनियस हो, इसीलिए मैं तुम्हें मेरे साथ लेके जाऊंगा और तुम्हारे साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। तभी मॉम नॉर्मन को बाय बोलती है, और इसके बाद हमें अगले समय दिखाते कि नॉर्मन यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम दे रहा होता है, ट्रेनिंग कर रहा होता है, और इसके ट्रेनिंग के आंसर देख के सारे के सारे डॉक्टर शॉक हो जाते हैं कि नॉर्मन इतना स्मार्ट कैसे है। उसके बाद मिस्टर रात्रि यहाँ पे आते हैं और वो बोलते हैं कि नॉर्मन तुम मेरे सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो और तुम सबसे बड़े जीनियस हो। इसके बाद हमें दिखाता है कि नॉर्मन एक रूबिक्स क्यूब यूज करके एक बंदे से बात कर रहा होता है, और वो बंदा होता है हमारा ये टकलू। नॉर्मन टकलू से बात करके उससे दोस्ती करता है। इसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं लोग नॉर्मन को लेकर जाते हैं पूरे फील्ड के पास से, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। डीमंस यहाँ पे खुले आम बच्चों को खा रहे होते हैं, और तभी नॉर्मन के ऊपर ये लोग ये स्टैंप लगाते हैं, और इसी स्टैंप के लगाने के साथ नॉर्मन के अंदर इन लोगों ने ड्रग्स भर दिया होता है, जिस वजह से नॉर्मन की तबीयत खराब होती रहती है, और नॉर्मन को पता चल जाता है कि वो कुछ दिनों में मरने वाला है। तभी नॉर्मन सोचता है कि वो यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से निकलते हुए वो एक एक करके सारी की सारी चीजों से एक बॉम्ब बनाता है, और उसके बाद वो रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कैमरा में देख के बॉम्ब को फोड़ देता है। उसके बाद नॉर्मन यहाँ से टकलू के साथ भागता रहता है, और यहाँ से जाते हुए यहाँ पे चाबी वाबी लेके बहुत सारे लोगों को बाहर निकालता है, और यहाँ से निकलने के बाद ये डीमन लोग को पकड़ता है। उसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं कि एमा और उसके दोस्त लोग यहाँ पे हर जगह छानबीन कर रहे होते हैं कि उन लोग को नॉजको और सोंजू कहाँ मिलेंगे। ये लोग हर जगह छानबीन करते रहते हैं और एक एक पॉइंट को रूल आउट करते रहते हैं। ऐसी बहुत सारा टाइम निकल जाता है और दिन पे दिन निकलते होते हैं। तभी इन लोग को दिखता है कि इनके सामने एक ये ब्लैक और रेड कलर का सेंटीपीड डीमन होता है। ये लोग इससे बच के निकलते हैं। उसके बाद ऐसे ही एक एक दिन खत्म होता रहता है। मीनवाइल यहाँ पे नॉर्मन और उसके गैंग वाले भी उनका प्रिपरेशन करते रहते हैं बॉम्ब फोड़ने का और उनका ड्रग्स निकालने का। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं कि यहाँ पे एमा और उसके दोस्त लोग एम्यूलेट पकड़ के आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही तीन दिन निकल जाते हैं, सिर्फ दो दिन और बचे होते हैं इनके पास। मीनवाइल यहाँ पे नॉर्मन भी अपने टकलू के साथ अपना ट्रेनिंग पूरा कर चुका होता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ऐसे ही और दो तीन दिन निकल जाते हैं और इन लोग का आखिरी दिन आया होता है। तभी नॉर्मन बोलता है कि अभी मैं अगले दिन में जाके इन लोग का गॉड और डेविल एक साथ बनूंगा और सारे के सारे डीमंस को खत्म कर दूंगा। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि रात के समय हमारे हीरोज यहां से जा रहे होते कि तभी इनके ऊपर ये ब्लैक वाला डीमन हमला करना स्टार्ट करता है। तो इसको रोकने के लिए ये डीमन एमा के ऊपर हमला करता है और एमा को चोट लग जाती है। उसके ठीक बाद एमा यहां से भागने लगती है। तो इसके बाद सारे के सारे हीरोज यहां से भागते रहते हैं और वो लोग ये डीमन के ऊपर हमला करते हैं। तभी नॉजको और सोंजू यहां पे आते हैं और उन लोग को एमा का पेंडेंट दिखता है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि एमा खतरे में है। उसी वक्त रे यहां पे आता है और वो अपने बो एंड एरो से ये डीमन के आंख पे हमला करता है और डीमन एकदम से पागल हो जाता है। उसके बाद ये डीमन अगले ही सीन में एमा को खाने वाला होता है कि तभी यहां पे सोंजू आता है और वो अपने स्वॉर्ड से इस डीमन का मुंडी काट के उसको खत्म कर देता है। इसके बाद नॉजिका और सोंजू दोनों यहां पे आके साथ सारे बच्चों से मिलते और बोलते हैं तुम लोग यहां पे क्या कर रहे हो। तभी एमा बोलती है कि सोंजू मुझे तुम्हारी हेल्प लगेगी। ऐसा बोल के वो लोग बात कर रहे होते कि उतने में नॉर्मन यहां पे बॉम्ब फोड़ना स्टार्ट करता है और वो सारे के सारे डीमंस के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। फिर हमें दिखाते हैं कि डीमंस का जो विलेज होता है यहां पे सारे के सारे डीमंस ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं और ये लोग एक एक करके बाकी लोगों को खाना स्टार्ट करते हैं। ये डीमंस इनके प्राइमल फॉर्म में आते हैं और तभी नॉर्मन बोलता है कि मैंने मेरे ड्रग को हर जगह डाल दिया है और अब ये सारे के सारे लोग एक दूसरे को खत्म कर देंगे और ऐसे हम लोग सब डीमंस को मार देंगे। उसके बाद हमें दिखाते हैं यहां पे छोटी बच्ची अपने छोटे भाई को लेकर जा रही होती है और रो रही होती है। वो यहां पे डीमंस का विलेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, हर जगह आग लगी होती है और पूरा विलेज खत्म हो रहा होता है। तभी यहां पे सारे के सारे बच्चे बोलते हैं कि नॉर्मन तो हमें कल तक का टाइम देता, तो भी नॉर्मन ऐसा क्यों कर रहा है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि सोंजू और नॉजिका के साथ यहां पे एमा बैठ के आ रही होती है। तभी हमें दिखाते हैं कि यहां पे बुढ़ाऊ भी आता है और बुढ़ाऊ भाग के जाता है उसकी बेटी के पास और उसकी बेटी का नाम होता है एमा। तभी हमें दिखाते हैं कि अगले सीन में यहां पे नॉर्मन एमा के ऊपर हमला करने वाला होता है। डीमन एमा की बात कर रहा हूं मैं, और यहां आसपास हर जगह खून वून लगा रहता है और डीमन दूसरे को खा रहे होते हैं। तभी बुढ़ाऊ यहां पे आता और बोलता है एमा तुम क्या कर रही हो। तो एमा नाम सुन के नॉर्मन रुक जाता है और उसी वक्त ये ब्लू डीमन जाती है अपने ग्रैंडफादर को पकड़ते और रोने लगती है। तभी ये बोलता है कि मुझे पता है कि क्या दिन आने वाला है जिस दिन ह्यूमंस हमारे ऊपर हमला करेंगे। उसी वक्त यहाँ पे हर जगह पे नॉर्मन अपना ड्रग्स डाल देता है और ऐसे ये एमा नाम की डीमन भी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। लेकिन तभी नॉर्मन देखता है कि जो ये बुढ़ऊ होता है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। तो नॉर्मन बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारे अंदर वो इविल ब्लड है। ऐसा बोल के नॉर्मन यहाँ पे आता है और हमारे बुढ़ऊ के ऊपर हमला करता है और बुढ़ऊ का हाथ तोड़ देता है। लेकिन तभी बुढ़ऊ अपने हाथ से जहाँ से ब्लड निकल रहता है वो ब्लड वो उसकी बेटी के मुंह में डालता है और बोलता है बेटी तुम ये पी लो। जैसे वो लड़की ब्लड पीती तो वो उसके वापस से ठीक होने लगती है क्योंकि उसके ऊपर इविल ब्लड आ चुका होता है। तो वो उसके दादाजी का हाथ पकड़ के रो रही होती है, बोलती दादाजी मुझे नहीं मरना है, प्लीज मुझे बचाइए, प्लीज मुझे बचाइए। लेकिन यहाँ पे ये सब देख के नॉर्मन के आंखों में भी आंसू आता है। उसको समझ जाते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो डीमंस लोग को खत्म कर रहा है। और ये देख के नॉर्मन समझ जाते हैं कि उसको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे सारे के सारे डीमंस खतरनाक डीमंस के सामने खड़े होकर एक दूसरे को बचा रहे होते हैं और सब लोग रो रहे होते हैं। तो ये सब देख के नॉर्मन के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मन को खत्म करने वाला। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे एमा आती है और बोलती है नॉर्मन तुम क्या कर रहे हो। तभी एमा देखती है कि उसको यहाँ पे छोटा वाला नॉर्मन दिखता है जो कि रो रहा होता है ये तलवार पकड़ के। तो एमा समझ जाती है कि नॉर्मन खुद नहीं चाहता इन लोग को मारना। इसके बाद जैसे यहाँ पे रे और एमा पहुंचे तो वो लोग यहाँ पे नॉर्मन को रोकते हैं और बोलते हैं कि नॉर्मन तुम ऐसा मत करो। लेकिन तभी नॉर्मन बोलता है कि अभी बहुत लेट हो चुका है और मैंने मेरा डिसीजन पहले बना दिया है। तो इसके बाद एमा जाती है नॉर्मन के पास और बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम डर रहे हो और तुम्हें भी ऐसा नहीं करना है क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर वो बच्चा दिख रहा है। ऐसा बोल के वो नॉर्मन को पकड़ती है और बोलती है नॉर्मन तुम हमारी बात मानो और इन लोग को मत मारो, ये लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। तभी नॉर्मन इन लोग को देखता है और रोने लगता है और बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बस
जिंदा रहना है तुम सबके साथ। वो बोलता है कि असल में मुझे भी वो लोगों ने एक ड्रग पिला दिया था जिसकी वजह से मुझे पता है कि मैं खत्म होने वाला हूँ और इसका कोई तोड़ नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने ये एकदम डेस्परेट मूव किया। तभी यहाँ पे एक बड़ा सा डीमन आता है और वो इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा बुढ़ऊ अपना हाथ काटता है और अब अपना हाथ काट के रेडी होता है कुछ करने के लिए। मीनवाइल यहाँ पे हमारा सोंजू पहुंचता है, वो भी अपना हाथ काटता है और वो ये हाथ ये डीमन के मुंह में डाल देता है, तो इससे वो डीमन वापस से ठीक हो जाता है। इसके बाद सोंजू और नौजिका यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमारी जो इविल प्रिंसेस होती है वो अपना ब्लड सबको देती है पीने के लिए, और ऐसी सब लोग इसका ब्लड पी के ठीक हो रहे होते हैं, लेकिन सारे के सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे रो रहे होते हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे जो छोटी लड़की होती है जिसने अपने भाई को पकड़ के रखा होता है, वो एक पेड़ के पास बैठी होती है और हमारी ये पागल लड़की उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होती है, लेकिन वो भी इनके ऊपर अटैक नहीं करती है। मीनवाइल यहाँ पे नॉर्मन आता है और बोलता है कि तुम लोग ऐसा मत करो, हमने हमारा रूल चेंज कर लिया है और हम लोग अभी इनको नहीं मारेंगे। तो ये लोग बोलते हैं कि बॉस आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तभी नॉर्मन बोलता है कि मैं तुम लोग से झूठ बोला था, असल में मुझे भी वही ड्रग वाली बीमारी है और मैं लेवल 4 पे हूं, मतलब मैं भी किसी वक्त खत्म हो सकता हूं। तो ये सुनकर क्या लोग बोलते हैं बॉस आपने हमसे झूठ क्यों बोला। तो नॉर्मन बोलता है कि मैं तुमसे झूठ इसलिए बोला क्योंकि तुमको एक बॉस वाला फिगर चाहिए था जिसके ऊपर तुम लोग ट्रस्ट कर सकते थे। तभी ये लोग देखते हैं कि छोटी बच्ची डीमन एकदम रो रही होती है, तो फिर ये नॉर्मल बॉय बोलता है कि ठीक है बॉस ने अगर हमें बोला हमें नहीं माना तो हम नहीं मारेंगे इन लोग को। उसके बाद सोंजू और नौजिका यहाँ पे आते हैं और वो लोग ये बच्ची को अपना ब्लड पिलाते हैं। जैसे ही बच्ची को ब्लड पीती है तो बच्ची ठीक हो जाती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा रात्रि एक बड़े वाले डीमन से बात कर रहा होता है, और तभी ये लोग बोलते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो तो डेफिनेटली कंप्लीट होने वाला है ना, ग्रैंड मॉम इसोबेला। तभी हमें मालूम पड़ता है कि इसोबेला असल में मॉम से ग्रैंड मॉम बन चुकी है और अभी वो सारे के सारे बच्चों को वापस से पकड़ने वाली है। तो लोग बोलते हैं कि उन लोग का जो लैम्डा प्रोजेक्ट है वो अभी एक्टिवेट होने वाला है। लैम्डा प्रोजेक्ट असल में क्या होगा, ये है इन लोगों ने सारे बच्चों के ऊपर टेस्टिंग किया था और ये टेस्टिंग की वजह से इन लोगों ने एक ऐसा ड्रग बनाया है जिसके वजह से 1 साल से लेकर 6 साल के बच्चों को जैसे ही लोग ड्रग पिलाएंगे वैसे वो बच्चों का ब्रेन एकदम फटाफट डेवलप होगा और उसकी वजह से ये लोग उन बच्चों को खा सकते हैं। तो ये लोग बोलते हैं अभी हम लोग सारे के सारे फार्म से बच्चों को एक साथ इकट्ठा करेंगे और उन लोग को खाना स्टार्ट करेंगे। तभी यहाँ पे ये लोग रेडियो पे सुनते हैं कि यहाँ पे इनको मालूम पड़ता है कि ये लोग वो चिंटू और बाकी सब बच्चे लोग को एक साथ शिप करने वाले हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि ये लोग उनको शिप क्यों करें। तभी यहाँ पे नॉर्मन इनको लैम्डा प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और ये सब सुनकर सब लोग को बहुत गुस्सा आता है। उसी वक्त यहाँ पे सोंजू और नौजिका भी आते हैं और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग भी तुम्हारा हेल्प करने वाले हैं। मीनवाइल यहाँ पे बुढ़ऊ भी आता है और बुढ़ऊ बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हारा हेल्प करूंगा। तभी बुढ़ऊ जाता है और हमारी सोंजू के पास जाकर उसको बोलता है कि तो आप ही हो ना हमारी प्रिंसेस, ऐसा बोल के वो उसके पास जाकर उसको थैंक यू बोलता है। मीनवाइल वो उसकी छोटी वाली एमा को बोलता है कि तुम डीमन एमा ये तुम ह्यूमन एमा को दे दो। तभी वो ह्यूमन एमा को एक पेन का टिप देती है। तो हमारा बुढ़ऊ बोलता है कि 15 साल पहले उसको एक ह्यूमन मिला जिसकी हालत बहुत खराब, तो उसने वो ह्यूमन से ये पेन का टिप लिया और वो ह्यूमन को बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो ह्यूमन को बचा नहीं पाया। तभी उसने बोला कि वो उस ह्यूमन को रिस्पेक्ट पे करने के लिए खाने वाला है, तो उसने उस ह्यूमन को अपने घर लेके गया और वो ह्यूमन को खा लिया। असल में ये ह्यूमन कोई और नहीं हमारा विलियम मेमिनरवा ही था, और उस ह्यूमन ने मरने के पहले इसे कहा कि प्लीज तुम ये पेन उन ह्यूमन बच्चों को देना जो लोग फार्म से बच के यहाँ पे आएंगे। इसके बाद बुढ़ऊ हमको थोड़ा इनका बैक स्टोरी बताता है और बोलता है कि वो 700 साल पहले प्रिंसेस के पास से उसने उसका ब्लड पिया था और उसके बाद से वो एकदम बच बच के रह रहा है बाकी सब डीमंस लोग से ताकि कोई उसको मारे नहीं। मीनवाइल यहाँ पे जैसे ही ये लोग पेन का टिप पेन पे लगाते तो इनको एक नया मैप दिखता है जिस मैप के अंदर लिखा होता है क्रेस फील्ड के अंदर एक स्पेशल एग्जिट है और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखा होता है जो कि इन लोग का ये लैम्डा वाला ट्रक को तोड़ सकता है। तो ये देख के नॉर्मन और हमारा टकलू बॉय एकदम से रोने लगते हैं क्योंकि ये लोग को मालूम पड़ जाता है कि ये लोग जिंदा रह सकते हैं। तो नॉर्मन बोलता है कि हम लोग फटाक से इस ड्रग को बनाएंगे और इसको पी के ठीक हो जाएंगे। इसके बाद हमारा बुढ़ऊ यहाँ से निकलता है और बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। निकलते हुए बुढ़ऊ से नॉर्मन बात करता है, बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैं तुम लोग के ऊपर हमला कर रहा था। बुढ़ऊ बोलता है कि इसका तुम टेंशन मत लो, ऐसा बोल के बुढ़ऊ वहाँ से निकलता है। तभी हमारी एमा जाती है और बुढ़ऊ को थैंक यू बोलती है। तो बुढ़ऊ उसको बोलता है मुझे पहले से पता था कि तुम लोग ह्यूमंस हो लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर कभी अटैक नहीं किया क्योंकि मैं ह्यूमंस के ऊपर अटैक नहीं करता। तभी एमा बोलती है कि चलो अभी हम जाएंगे वापस से ग्रेसफील्ड वाले एरिया में और वहां जाके सारे के सारे बच्चों को बचा के लेके आएंगे। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि अगले सीन में हमारा टकलू रेडियो से बात करता रहता है ग्रेसफील्ड के लोगों से और उनको बोलता है कि मैं तुम्हें हर एक चीज सच सच बताने वाला हूं कि तुम्हारे ऊपर कैसे अटैक होने वाला है। तो ये टकलू ने हमको धोखा क्यों दिया मुझे नहीं पता। इसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे हीरोज बैठ के डिसाइड कर रहे होते हैं कैसे वो लोग बच्चों को बचाने वाले हैं। और ऐसे यहाँ पे हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा टकलू असल में नॉर्मन के साथ मिलकर इन लोग को छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन देता है। वो बेस पे उनको बोलता है कि यहाँ पे सारे के सारे बच्चे आने वाले हैं और वो लोग हॉट एयर बलून से आके तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, तो तुम लोग इनके ऊपर अटैक करके इनके हॉट एयर बलून को फोड़ देना और इन बच्चों को पकड़ लेना। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा मिस्टर रात्रि इन लोग की बात सुन के रेडी होता है उनके अटैक के लिए। तभी हमें अगले सीन दिखाते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे सिस्टर सब बच्चों को गैदर करते हुए बोलते हैं कि तुम सब लोग एक साथ ग्रेजुएट होकर आगे निकलने वाले हो। तो ये सुनकर हमारा चिंटू एकदम से टेंशन में आता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे हीरो सोंजू और नौजिका की मदद से अपने इक्विपमेंट बना रहे होते हैं और तभी एमा बोलती है कि हम लोग दोस्त हैं और ऐसा बोल के सब लोग खुश होते हैं। मीनवाइल यहाँ पे चिंटू एकदम से टेंशन में होता है क्योंकि उसको पता होता है कि अगर इन लोग एक साथ डिलीवर कर रहे हैं मतलब ये लोग डीमन से लड़ने वाले हैं। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे सारे बच्चे रेडी होकर निकल रहे होते हैं और हमारे हीरोज उनके हॉट एयर बलून में उड़ रहे होते हैं और यहाँ पे ये लोग सबका सब इनके ऊपर निगरानी रख रहे होते हैं। मीनवाइल यहाँ पे सारे के सारे डीमंस रेडी होते हैं इन सब हॉट एयर बलून को फोड़ने के लिए। तो ये लोग अपना हमला करके एक एक करके सारे के सारे हॉट एयर बलून को फोड़ रहे होते हैं और सब लोग नीचे गिर रहे होते हैं। तभी इनको मालूम पड़ता है कि जितने भी ये हॉट एयर बलून होते हैं वो सब असल में फेक होते हैं और उनके अंदर ट्रैप होता है। तो ये ट्रैप जैसे ही फटता तो हर जगह आग लग जाती है। उसके बाद एक एक करके सारे के सारे हमारे शोल्डर
हीरोज नीचे कूदते हैं और सब मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। इनमें होते हैं हमारा नौजिका और हमारी पागल लड़की नॉर्मन, रे, एमा, ये सब लोग मिलकर नीचे कूद के इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद सारे छोटे बच्चे यहाँ पे कूद के वेल के अंदर कूदते हैं और वहां से नीचे ये लोग घुस जाते हैं इस बेसमेंट के अंदर। फिर ये लोग इनके हेडक्वार्टर में घुस के एक एक करके सारे के सारे डीमंस को मारना स्टार्ट करते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारे सब बच्चे जो शिप आउट होने वाले होते हैं उनके सामने दूसरे बच्चे आते हैं और सब लोग एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं। और तभी उसमें से ये छोटी लड़की बोलती है कि ओए चिंटू, मेरे पास तेरे लिए एक लेटर है जो कि हमें एमा ने दिया है। तो ये लेटर पढ़ के हमारा चिंटू खुश हो जाता है। मीनवाइल यहाँ पे सब लोगों ने बच्चों ने एक एक करके डीमंस को मार के उनके हेडक्वार्टर को अपने अंडर कर दिया होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं ये लोग सबके सब सीसीटीवी फोड़ रहे होते हैं, इनके कंप्यूटर को हाईजैक कर रहे होते हैं और ऐसे ये लोग अपना प्लान बना रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हमारा चिंटू एक एक करके सबको बुलाता है और बोलता है कि गाइस अभी हमें रेडी होना है सबसे बड़े पकड़ा पकड़ी वाले गेम के लिए और हम लोग को दौड़ते रहना है। तभी एमा यहाँ पे हेडफोन पहनते हुए बोलती है हेलो एवरीवन, मैं तुम लोग को हमारा लास्ट गेम के बारे में बोलने वाली हूँ। और एमा की आवाज सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। ये बोलते हैं अभी हम लोग खेलने वाले हैं पकड़ा पकड़ी का गेम और अब तुम सब भागो। जैसे ही वो ऐसे बोलते हैं वैसे सारे के सारे बच्चे भागना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे सारी के सारी सिस्टर्स एक जगह पे अटक जाती है। उसके बाद सारे बच्चे यहाँ से भाग के निकलते हैं और मीनवाइल हमारे हीरोज भी यहाँ से कूद कूद के हेडक्वार्टर के अंदर घुसते हैं। सारे बच्चे हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं और ये लोग पहुंच के एक सेंट्रल एरिया में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद जैसे ही हमारा चिंटू एमा को देखता है तो एमा को देख के रोने लगता है और एमा भी चिंटू को देख के रोती है। और ये सीन बहुत ही ज्यादा होलसम होता है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को हक करके बहुत रो रहे होते हैं और ये सीन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर सारे बच्चे यहाँ पे पहुंचते हैं, सारे बच्चे मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद सारे के सारे हीरोज यहाँ पहुंच के इस लिवर को ऑन करते हैं लेकिन तभी कुछ नहीं होता और इनके सामने सब गेट्स बंद हो जाते हैं। और तभी यहाँ पे आती है ग्रैंड मॉम इजोबेला और उनके साथ सारे के सारे मॉम्स और सिस्टर होते हैं और इन लोग के हाथ में गन्स होते हैं और ये लोग बोलते हैं कि अब हमने तुमको पकड़ लिया। उसी वक्त यहाँ पे आता है हमारा मिस्टर रात्रि जो कि होता है इनका गेट कीपर। ये बोलता है कि बच्चों तुम मुझसे बच के नहीं भाग सकते हो। उसी वक्त इजोबेला बोलते हैं कि अब हमने तुम्हें पकड़ लिया है और अब लोग अपने सारे के सारे हथियार डाल दो। तो सब लोग उनके हथियार फेंक के पीछे जाते हैं। तभी ये बंदा बहुत शाना बनता है और इनके ऊपर जाके अटैक करना स्टार्ट करता है इनके ऊपर। लेकिन उसी वक्त इजोबेला बोलती है कि तुम लोग टेंशन मत लो। ऐसा बोल के इजोबेला रात्रि के ऊपर गन दिखाते हैं और बोलते हैं कि तुझे क्या लगा कि तू मेरे बच्चों को ऐसे ही मार देगा? ये सब मेरे बच्चे हैं और मैं चाहती हूँ कि ये लोग यहाँ से जिंदा बच के निकले। ऐसा बोल के इजोबेला हमारे बच्चों का साइड ले लेती है और तो और सारी की सारी मॉम्स भी उनका साइड ले लेती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे इस कर्ज से थक चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ कि तुम लोग मेरे बच्चों को ऐसे ही मारते रहे। ये लोग मेरे बच्चे हैं और मैं इन सबसे बहुत प्यार करती और मैं इन लोग को ऐसे नहीं मरने दूंगी। मैंने बहुत पाप किया पहले लेकिन मैं ऐसा वापस नहीं होने दूंगी। तो ये सब सुन के मिस्टर रात्रि अपने जेब में से वो बटन निकालता है और वो बटन दबाने वाला होता है लेकिन तभी इजोबेला बटन पे गोली मारते हुए बोलते हैं तुझे क्या लग रहा है कि जो तूने हमारे अंदर चिप लगाया वो अभी तू फाड़ सकता है? नहीं, जैसे ही बच्चों ने यहाँ पे सबके सब कंप्यूटर को हैक किया था उसी वक्त उन लोगों ने चिप को डिसेबल कर दिया था और अब वो चिप किसी काम का नहीं है और अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। उसी वक्त मिस्टर रात्रि हंसते हुए बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे असली डीमंस आ रहे हैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए। और ये सुनकर सब लोग टेंशन में आते हैं। तभी हमें दिखाते कि असली सारे डीमन यहाँ पे आ चुके होते हैं इनके ऊपर अटैक करने के लिए। मीनवाइल हमें दिखाते कि इनके मेन गेट पे हमारे सारे के सारे विलेजर्स वाले डीमन आ गए होते हैं हमारे बच्चों का हेल्प करने के लिए। भाई ये एनिमे का एंडिंग इतना मस्त है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। ये सब डीमंस यहाँ पे आके दीवार तोड़ते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग उन बच्चों को नहीं मार सकते हो। ऐसा बोल के यहाँ पे हजारों करोड़ों डीमंस एक साथ अंदर घुसते हैं इनके एरिया में और ये डीमंस लोग अटैक करना स्टार्ट करते हैं और ये लोग सारे के सारे सोल्जर्स को पकड़ लेते हैं और पूरे एरिया को कॉन्फिस्केट कर देते हैं। और इन लोग को लीड कर रहा होता है हम लोग का नौजिको और तो और सोंजू। भाई ये सीन देख के मेरा दिल जो खुश हुआ है मैं क्या बताऊं तुम लोग को। और उसी वक्त यहाँ पे एंट्री लेता है हमारा बुढ़ऊ वाला डीमन और इस बुढ़ऊ वाले डीमन को देख के सारे बच्चे बोलते हैं कि इनके ऊपर अटैक मत करो, ये लोग हमारे दोस्त है। और बुढ़ऊ वाला डीमन जैसे ही अंदर आता है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। उसी वक्त बुढ़ऊ बोलता है कि तुम टेंशन मत लो मिस्टर रात्रि, हम सब ने ईवल ब्लड पी लिया है, इसका ये मतलब है कि अभी ह्यूमंस हम लोग के लिए किसी काम के नहीं है। तो ये सुनकर मिस्टर रात्रि का दिमाग फटता है और वो बोलता है कि अगर तुम लोग ने ईवल ब्लड पी लिया है तो हमारा पूरा का पूरा बिजनेस खराब हो जाएगा क्योंकि हम लोग अभी किसी को भी ह्यूमंस बेच नहीं पाएंगे। और तभी वो बोलता है कि हम लोग को ह्यूमंस नहीं खाना है। ऐसा बोल के वो हंसने लगता है और एमा बुढ़ऊ को देख के खुश हो जाती है और तभी मिस्टर रात्रि एकदम से पागल होकर गिर जाता है। तो एमा बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा वर्ल्ड बनाऊं जहां पे ह्यूमंस और तो और डीमंस साथ में रह सके। ऐसा बोल के एमा जाती है मिस्टर रात्रि के पास और उसके आगे अपना हाथ खड़ा करती है और बोलती है तुम भी मेरे साथ चलो। इसके बाद एमा बोलती है मिस्टर रात्रि को कि तुम ये बर्डन अपने ऊपर क्यों रख रहे हो, तुम्हें तुम्हारे भाई को क्यों मारना पड़ा? तभी वो बोलता है कि मैं असल में बिलोंग करता हूँ रात्रि फैमिली को और रात्रि फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसने वो प्रॉमिस किया था इन सब डीमंस के साथ। हमारी फैमिली का ये काम है कि हमें गेट कीपर बन के रहना है और हमें ह्यूमंस की पॉपुलेशन को यहाँ पे बनाए रखना है ताकि ये सब डीमंस ह्यूमन को खा सके। लेकिन जब ये बात मेरे भाई को पता चली तो उसको ये बात बहुत बेकार लगी और उसने ये चीज को अपोज करना चाहा और उसने खुद का नया नाम बनाया विलियम मेनोरा करके और वो ह्यूमंस की हेल्प करने लगा। लेकिन मुझे ये बात बहुत पसंद थी कि हम लोग को डीमंस को हेल्प करना, तो इसीलिए मुझे मेरे भाई को मरवाना पड़ा। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने मेरे भाई को मार दिया। उसके बाद से मैं एकदम से हार्टलेस बन गया और मैं एक एक करके सारे के सारे ह्यूमंस को यहाँ पे पैदा करके खत्म करता था। लेकिन यही मेरा सपना था और मुझे यही काम करना था। लेकिन अगर मेरा ये प्लान खत्म होने वाला है और अब डीमंस ह्यूमन को खाना बंद करने वाला है तो मेरा कोई काम बनता ही नहीं इस दुनिया में। ऐसा बोल के वो एक चाकू बाहर निकालता है और अपना गला काट के खुद को मार देता है। इसके बाद एमा यहाँ पे आती है इसको बचाने के लिए लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। उसके बाद एमा और बाकी सब लोग यहाँ से जैसे बाहर निकलते तो ये लोग देखते कि हर जगह पे सोंजू और नौजिका के लोगों ने कॉन्कर कर लिया होता है और ये लोग यहाँ पे अपना विक्ट्री वाला स्पीच दे रहे होते हैं। मीनवाइल हमें अगले समय दिखाते हैं कि यहाँ पे जो बड़े बड़े डीमंस होते हैं उनके पास एक
बंदा आता है और वो इनको सब कुछ बताता है। तो बड़े बड़े डिमन बोलते हैं कि रुको अभी भी हम कुछ कर सकते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारी मॉम बोलती है कि तुम सब बच्चों यहाँ से निकल जाओ, तुम लोग यहाँ से गेट के थ्रू जाना और ह्यूमन वर्ल्ड में घुस जाना, हम मॉम्स यहाँ पे रुके रहेंगे। तभी हमारी एमा बोलती है कि नहीं मॉम, हम आपको नहीं छोड़ने वाले, हम चाहते कि आप भी हमारे साथ चलिए, आप हमारी असली मॉम है और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम चाहते कि आप ह्यूमन वर्ल्ड में आओ और आप सब लोग आके हम बच्चों का ध्यान दो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी मजबूरी थी कि आपको ऐसा करना पड़ा। तो ये सब सुनकर हमारी इसाबेला को उसकी बैक स्टोरी याद आती है और वो सब बच्चों के बारे में सोचती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए जाती है एमा के पास और बोलती है थैंक यू सो मच एमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती। ये सब सुन के इसाबेला एकदम रोने लगती है और ये सीन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद एमा जाती है और हमारे बुढ़ाओ से बात करते हुए बुढ़ाओ को थैंक यू बोलती है। तभी बुढ़ाओ बोलता है इसमें तो तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद एमा ये लेवर घुमाती है और ये पूरी पूरी दुनिया हिलने लगती है और ये लोग एक एक करके नीचे जाने लगते हैं और ऐसे ये लोग पहुंच जाते हैं ये बड़े से गेट के पास और ये होता है ह्यूमन वर्ल्ड का रियल गेट। इस गेट के पास ये लोग जैसे ही पहुंचते हैं ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे विलियम मैनोवर का साइन होता है। तो ये लोग उसके ऊपर वो पेन लगाते हैं और वो पेन लगाते हैं ये गेट खुल जाता है और ये लोग घुस जाते हैं ह्यूमन वर्ल्ड के एंट्रेंस के पास। तो एक एक करके सब लोग ह्यूमन वर्ल्ड के पास आते हैं और सब लोग अंदर घुसते हैं, लेकिन तभी एमा इन लोग के साथ अपना हाथ छोड़ती है और बोलती है कि तुम लोग आगे बढ़ो, हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं। यहाँ पे असल में 7 लोग होते हैं, रे, एमा, नॉर्मन, नॉर्मल बॉय, पागल लड़की, बैग वाला बंदा और हमारा टकलू। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे अभी भी बहुत सारे काम बचे हुए हैं। तभी हमें बैक स्टोरी में दिखाते हैं कि यहाँ पे नॉर्मन, रे और एमा ने डिसाइड किया होता है कि ये लोग यहाँ पे डीमन वर्ल्ड में रुकेंगे सोंजू और नौजिका के साथ और ये लोग यहाँ पे जाके सब डीमंस के बारे में जानेंगे, ये लोग यहाँ पे डीमंस के लिए एक अच्छा वर्ल्ड बनाएंगे और तो और ये लोग दूसरे सारे के सारे फार्म्स में घुस के वहाँ के हर बच्चे को छुड़ा के यहाँ से बाहर लेके जाएंगे। तभी हमारी सोंजू बोलती है कि उसको भी यहाँ पे इन लोग के साथ रुकना है और उसको यहाँ पे ढूंढना है कि वो इतनी स्पेशल क्यों है। तो ऐसे इन लोग का ये प्लान बनता है। यहाँ पे हमारा डॉन भाई और तो और चश्मे गर्ल बोलते हैं वो लोग भी इनका साथ देंगे, लेकिन बाद में एमा उनको मना देती है और बोलती है तुम लोग मेरे साथ मत आओ। इसके बाद यहाँ पे इनकी जैसी बातें खत्म होती है वैसे यहाँ पे बाकी सब लोग आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग भी तुम्हारे साथ रुकेंगे। तो इसके बाद एमा और बाकी लोग इन लोग को बाय बोलते हैं और नॉर्मन बोलता है कि टकलू तुम भी इनके साथ जाओ क्योंकि इन लोग को एक साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तभी एमा बोलती है कि मॉम प्लीज आप इन बच्चों का ध्यान देना और तो और आप इन लोग को अच्छे से इनकी परवरिश करना। तो ये सुनकर हमारी इसाबेला बोलती है हाँ। इसके बाद यहाँ पे एमा ये छोटू को छोड़ती है लेकिन छोटू रोने लगता है और वो एमा को बोलता है कि एमा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके बाद वो एमा को बोलता है ठीक है एमा मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और यहाँ से जाता हूँ, लेकिन जाने के पहले वो एमा को पकड़ता है और उसको हक करके बोलता है प्लीज एमा तुम सेफली मेरे पास वापस आना। तो एमा उसको बोलती है कि मैं ये प्रॉमिस करती। इसके बाद गेट बंद होता है और हमें अगले समय दिखाते हैं कि सारे के सारे बच्चे ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं और ह्यूमन वर्ल्ड की गवर्नमेंट इन सबको अच्छे से एक्सेप्ट करती है और इन लोग को बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे। इसके बाद सब बच्चे बड़े होते हैं, वो लोग उनकी जिंदगी अच्छे से जीते हैं, उन लोग को नए नए पेरेंट्स मिल जाते हैं, वो लोग स्कूल जाते हैं, उन लोग अपना बर्थडे मनाते हैं और डॉन हमारे चिंटू का ध्यान रखता है। डॉन लिटरली इस सीन में चिंटू का बड़ा भाई से दिखता है और कई लोग एक्चुअली मेट्रो में बैठे होते हैं। इन लोग को ह्यूमन वर्ल्ड में देख के मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, इन बच्चों ने बहुत सफर किया है, इन लोगों ने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया और आज जब ये लोग ह्यूमन वर्ल्ड में आ गए हैं तो इनको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मीनवाइल हमारा टकलू यहाँ पे चेस खेल रहा होता है और ऐसे ही बहुत सारे साल निकल चुके होते हैं। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे हीरो ह्यूमन वर्ल्ड में घूम रहे होते हैं और वो लोग घूमते घूमते यहाँ पे हर जगह पे ह्यूमंस को बचा रहे होते हैं। उसके बाद ये लोग मिलते हैं यहाँ पे डीमन वर्ल्ड के गॉड से जो कि होता है ये ड्रैगन जैसे दिखने वाला बंदा और ये उड़ने वाला बंदा। यहाँ पे ये लोग गॉड के साथ एक नया प्रॉमिस क्रिएट करते हैं जो कि क्या होता है हमें नहीं पता। उसके बाद ये लोग सारे के सारे डीमन से मिलते हैं और ये लोग डीमन वर्ल्ड को वापस से नया बनाते हैं। उसके बाद हमारी जो इविल ब्लड वाली प्रिंसेस होती है उसको ये लोग यहाँ की क्वीन बनाते हैं और हमारा सोंजू यहाँ का लीडर बनता है। और इसके बाद एमा और हमारी क्वीन दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलते हैं और गले मिलकर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि फिल एकदम से बड़ा हो चुका होता है और तभी वो देखता है कि यहाँ पे एमा, नॉर्मन और तो और रे आ चुके होते हैं। ये लोग भी फाइनली ह्यूमन वर्ल्ड में आ गए और ये लोग भी बड़े हो चुके होते हैं। मैं ये वाले फ्रेम पे थोड़ा पॉज लूंगा। यहाँ पे हमारे सारे के सारे हीरोज बहुत बड़े हो चुके होते हैं। तो जैसे ही हमारा फिल जो कि ये चिंटू था वो इन लोग को देखता है तो वो रोने लगता है और रोते हुए भाग के जाता है एमा के पास और उससे गले मिलता है। तो फाइनली हमारे हीरोज एक अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं। तो ये एनिमे का एंडिंग आखिर अच्छा हो ही गया। अगर आप लोग को ये एनिमे पसंद आए तो प्लीज लाइक करो इस वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि आप हर दिन नया नया एनिमे एंजॉय कर सको। वेल आज के मेरे से बस इतना ही। मेरा नाम है साजबेट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।